और जात पात से ऊपर उठकर मानवता के हक में ना सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि दौलत को ठोकर भी मार रहे हैं। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेप्सी का करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो हरगिज उस कंपनी का विज्ञापन नहीं करेंगे जो बेगुनाहों को मारने वाले देश इसराइल की सेना को चंदा देती है। कई लोग स्वाद और पैसे के लिए जीते हैं और स्वाद और दौलत के लिए मरते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जमीर की आवाज़ सुनकर इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेप्सी का करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो उस कंपनी का विज्ञापन नहीं कर सकते जो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने वाले देश इसराइल की आर्मी को चंदा देती है। साथ ही रोनाल्डो ने ये वीडियो सीरिया के बच्चों के लिए भी बनाकर पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि असली हीरो सीरिया के बच्चे हैं जो इतने जुल्म सह कर भी जी रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो बेगुनाह बच्चों की सपोर्ट में पोस्ट भी नहीं कर सकते। हेलो, दिस इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ सीरिया। वी नो दैट यू हैव बीन सफरिंग अ लॉट। आई एम अ वेरी फेमस प्लेयर, बट यू आर द ट्रू हीरोज। डोंट लूज योर होप, द वर्ल्ड इज विद यू, वी केयर अबाउट यू, आई एम विद यू। इसी के साथ ही रोनाल्डो ने एक इजरायली के साथ अपनी टी शर्ट बदलने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना टी शर्ट नहीं बदल सकता जिसका हाथ खून से रंगा हो। रोनाल्डो ने पेप्सी का विज्ञापन ठुकरा कर दुनिया को ऐसे देशों का विरोध करने का रास्ता दिखाया है जो मानवता को चोट पहुँचाते हैं। आपको बता दें कि पेप्सी और कोक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो महज चंद पैसे में अपने प्रोडक्ट तैयार करती हैं और महंगे दामों पर बेचती हैं। इस पानी से इकट्ठे हुए पैसे से दुनिया भर में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। क्या आप भी पेप्सी या इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियों का बायकॉट कर सकते हैं? जुल्म के खिलाफ अगर और कुछ नहीं तो ऐसा तो किया ही जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज़।